पाकिस्तान ने इस मंदिर को तीनों किसी प्रकार का गेट नहीं खोला जा रहा है, आपस में ही लड़के। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे तनोट माता मंदिर की संपूर्ण जानकारी। मेरा नाम है भरत कुमार प्रजापति, मैं हूं जोधपुर से और जोधपुर स्टेशन से हम पहुंचेंगे सीधा जैसलमेर स्टेशन। तनोट माता मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है जैसलमेर रेलवे स्टेशन और नियर बाय एयरपोर्ट जैसलमेर एयरपोर्ट है। सुबह के बजे हैं 4 और हम पहुंच गए हैं जैसलमेर रेलवे स्टेशन। जैसलमेर स्टेशन से आपको प्राइवेट टैक्सी तनोट माता मंदिर के लिए मिल जाएगी, लेकिन ये ब्रोकर बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो हम यहाँ से टैक्सी नहीं करेंगे। और अगर आप यहाँ से टैक्सी करते हो तो लगभग 4000 पर पर्सन पड़ेगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही मार्केट आ जाएगा, यहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। यहाँ से हम करेंगे टैक्सी और चलेंगे जैसलमेर हनुमान चौराहे पर। हनुमान चौराहे के लिए टैक्सी 20 रुपए चार्ज करेगी। स्टेशन से हनुमान चौराहे आपको टैक्सी यहाँ पर छोड़ेगी और यहीं पर आपको धर्मशाला होटल वगैरह आपको यहीं मिलेगी। तो चलते हैं सबसे पहले धर्मशाला ढूंढने या होटल ढूंढने के लिए। गाइस, जैसलमेर में होटल्स और धर्मशालाओं की सभी रेट सीजन के अकॉर्डिंग होती हैं। यहाँ पर नवंबर से लेकर फरवरी तक बहुत ही हाई रेटें रहती है। गाइस, रात के बजे हैं 4:30 और यहाँ पर चारों तरफ कोई आदमी या कोई भी नहीं दिख रहा हमें, इसीलिए हमने प्राइवेट होटल या धर्मशाला पे किसी प्रकार का गेट नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूल है कि धर्मशाला एक बार बंद होने के बाद में सुबह 6:30 बजे ही खुलेगी। और हमने लिए होटल रॉयल इन, यहाँ पर सबसे अच्छा बेस्ट धर्मशाला से भी बेस्ट रेट दी उन्होंने मुझे। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको रूम भी। ये है गाइस 400 का रूम, यहाँ पर 2 पर्सन का इन्होंने लिया है 400 रुपये रूम। रूम फिर भी ठीक ठाक है, बढ़िया है रूम। यहाँ का बेड और यहाँ का है ये बाथरूम। ये भैया है, ये बहुत ही अच्छा विजिट करवाते हैं और ये पूरा कंप्लीट जैसलमेर का टूर पैकेज भी लेते हैं, तो इनसे जानते हैं और यहाँ का पैकेज की जानकारी भी लेते हैं। तो भैया कुछ बताइए, यहाँ पे पैकेज वगैरह यहाँ पे कैसे क्या रहता है? यहाँ पे पैकेज रहता है सीजन के हिसाब से। अच्छा, सीजन यहाँ पे रहता है न्यू ईयर में और दीपावली में। अच्छा। उसका 10 दिन का अलग पैकेज रहता है। रेगुलर पैकेज रहेगा आपको, जैसे घूमने का है सिटी डेजर्ट घूम के जाओगे तो 1500-1800 तक अच्छा घूमने का रहेगा। और रूम चाहिए अभी रेट चल रहा है हमारा नाइट का 1000 और सीजन के हिसाब से अलग रहेगा। और नॉन एसी 800 रुपये पड़ेगा, एसी 1000 रुपये पड़ेगा। तो चलते हैं, करते हैं रेस्ट। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के बजे हैं 9 और हम पहुंच गए हैं चाय नाश्ता करने। गाइज, ये है जैसलमेर की फेमस नाश्ता दुकान और ये है पोहा, इसका चार्ज है 25 रुपये। तनोट माता के लिए बस जो है 2:40 को चलेगी। तनोट माता मंदिर के लिए प्राइवेट टैक्सी हर समय उपलब्ध रहती है और लगभग 2500 रुपये चार्ज करती है। लेकिन बस गाइज यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट वाली केवल रामगढ़ तक ही चलती है और उसके आगे नहीं जाती है। रामगढ़ से मंदिर लगभग 60 किलोमीटर और आगे पड़ता है और रामगढ़ में आपको टैक्सी की किसी प्रकार सुविधा नहीं मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर केवल एक ही बस जाती है। मैन हनुमान चौराहे पर स्वांगी ट्रेवल्स है, जैसलमेर का एकमात्र स्थान है जहाँ तनोट माता का टिकट वगैरह अवेलेबल रहते हैं। बाकी मिलते हैं जो प्राइवेट मिलते हैं और काफी कॉस्टली भी होते हैं, तो यहाँ पे अच्छे दाम पर भी आप जा सकते हैं आराम से। बस का किराया आने जाने का 300 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है और बस लगभग मंदिर के लिए 2 से 2.5 घंटे लेगी। बस के अंदर आपको आराम से बैठने की सुविधा और पानी की सुविधा भी मिलेगी। गाइस, जब भी आप तनोट माता आते हो तो बस आपको सबसे पहले यहाँ पर उतारेगी, उसके बाद में आपको यहाँ पर घंटियाली माता के दर्शन करने के बाद में ही आप तनोट माता के दर्शन करें। तो चलते हैं घंटियाली माता के दर्शन। यहाँ पर आप पानी पी लीजिए और अपनी बोतल भी भर लीजिए, क्योंकि जैसलमेर में पानी बहुत ही महंगा है और एक बोतल का चार्ज लगभग 30 से 40 रुपये करते हैं। ये मातेश्वरी तनोट राय की छोटी बहन, इनका नाम घंटियाली माता है। 1965 में
पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर मंदिर को तोड़ फोड़ किया गया, जो कि माता की कृपा ऐसा बना कि वो लोग आपस में ही लड़के मर गए। तब से सीमा सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर भी, ऐसे पुजारी यहाँ पर भी सेवा करते हैं, और यहाँ पर भी आरती BSF द्वारा ही किया जाता है। घंटियाली माता के लिए बस 15 मिनट ही रुकती है। यहाँ से तनोट माता मंदिर लगभग 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। रास्ते में आपको डेजर्ट सफारी की गाड़ियाँ भी मिल जाएगी। अगर आपको डेजर्ट सफारी करनी है तो बस आपको छोड़ देगी। गाइस, पूरा 120 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच गए हैं तनोट माता के मंदिर। गाइस, ये है मंदिर का मार्केट और यहाँ पर आप खा पी सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। प्रसाद यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 250 रुपए तक मिलती है। ये है मंदिर का मुख्य द्वार और इसके पास में ही एंट्री गेट है। एंट्री गेट पर ही आपको व्हील चेयर की सुविधा भी मिलती है। इस मंदिर में आपको बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी और आपको यहाँ पर मर्यादित वस्त्र ही पहनने पड़ेंगे। यह है इस मंदिर का शिलालेख और इसमें संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। अंदर प्रवेश करते ही आपको तनोट विक्ट्री पिलर मिलेगा और इसके पास में ही BSF का ऑफिस भी है। ये है गाइस सभा भवन, यहाँ पर लोग बैठते हैं और विश्राम करते हैं। इसके जस्ट पास में ही प्राचीन कुआ है, देखते हैं। इस कुएं में मन्नत के धागे बांधे हुए हैं। इसको ऊपर से बंद कर रखा है। बहुत ही गहरा है गाइस। इस मंदिर का संचालन BSF के जवानों द्वारा किया जाता है। अभी नवरात्रा की तैयारियां चल रही हैं। मंदिर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। ये है तनोट माता का गर्भगृह और इसी के पास में ही आपको म्यूजियम मिल जाता है। इस म्यूजियम में आपको भारत पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध के साक्ष्य मिल जाएंगे। गाइज, ये वो बम है जो पाकिस्तान के द्वारा मंदिर के ऊपर बरसाए गए थे, और ये बम एक दो की संख्या में नहीं बल्कि 3 से 4 हजार बरसाए गए थे, लेकिन माताजी के चमत्कार से एक भी बम नहीं फटा और ये मंदिर आज भी भव्य रूप से विराजमान है। दोस्तों, इसी कारण से माताजी का चमत्कार सुनकर लोग दूर दराज से खींचे चले आते हैं। और गाइज, यहाँ पर केवल भारतीय ही अलाउ है, विदेशी केवल रामगढ़ तक ही आ सकते हैं। कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी के कारण यहाँ पर विदेशी को अलाउ नहीं किया गया है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर की आरती में अभी समय है, तब तक मंदिर के पीछे एक और प्रथा है। गाइज, यहाँ पर मंदिर को लेकर एक प्रथा है कि यहाँ पर भक्तगण अपनी मनोकामनाओं के लिए रुमाल बांधते हैं। यहाँ पर ढेर सारे रुमाल बांधे हुए हैं, इसी कारण से माताजी को रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। यहाँ पर पीछे एक और माताजी का छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करते हैं और बाहर की ओर अग्रसर होते हैं। ये मंदिर गाइस भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर बसा हुआ है। यहाँ पर BSF की सेना तैनात है। यहाँ पर एक वेपन म्यूजियम भी है। गाइस, ये वो हथियार है जो भारत पाक युद्ध में काम में लिए गए। इन हथियारों का डिस्प्ले कर रखा है ताकि आम जनता इसे देख सके। ये जो तनोट माता जी का मंदिर है, और ये मंदिर जो है हिंगलाज माता, जो 51 शक्तिपीठ में पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज माता, उसी माता की ये अवतार है। और ये मंदिर 1200 साल पुराना है। इस मंदिर की स्थापना 847 ईस्वी में तन्नूजी राव भाटी राजा ने कराए थे, उन्हीं के नाम पे इनको तनोट राय माता नाम रखा गया। और माता जी का शक्ति उस समय देखा गया जब 1965 की वार इंडिया पाकिस्तान की हुई थी। उस वार के टाइम में पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर के ऊपर तीनों इलाकों से घेर रखा था और 3500 बम के गोले बरसाए थे, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। और इस मंदिर परिसर में 400 बम के गोले गिरे थे जो बिल्कुल फटे नहीं।
जो कि आज भी मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं। लड़ाई ख़त्म होने के कुछ सालों के बाद यहाँ पे पाकिस्तानी सेना के कर्नल थे उस समय, वो ब्रिगेडियर बनने के बाद भारत आए थे और यहाँ पे उन्होंने चांदी के छत्तर माता जी को चढ़ाए, जो कि अभी भी मंदिर में है। और यहाँ पे सभी सीमा सुरक्षा बल के लोग पूजा आरती और करते हैं। जय माता दी। गाइस, यहाँ पर सुबह और शाम को 7 बजे ही आरती होती है और लगभग 1 घंटा आरती चलती है। तो गाइस, ये था तनोट माता मंदिर का व्लॉग। आपको कैसा लगा? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।